हेलो फ्रेंड्स, हम स्वाति सिंह, मेरी आज की क्लास में आप सभी का स्वागत है। तो हम जो अपनी पेडागोजी से रिलेटेड क्लासेस कर रहे थे, तो उसमें हमारा जो आज का टॉपिक है, लास्ट वाली वीडियो आप चेक कर सकते हैं, हमने जो भी पीजीटी के सिलेबस में पार्ट बी है जिसमें आपके डिसेबिलिटीज़ या डाइवर्सिटी वाले टॉपिक्स हैं वो स्टार्ट कर चुके हैं। तो लास्ट वाली वीडियो में आपको अंडरस्टैंडिंग टाइप और व्हाट इज़ डाइवर्सिटी और ये सारा चीज़ मिल जाएगी। आज की जो हम वीडियो स्टार्ट करने वाले हैं वो हमारे फिजिकली जो बच्चे रिटायर होते हैं या क्या क्या प्रॉब्लम्स होती हैं वो वाले स्टूडेंट्स के ऊपर है, जिसके अंदर हम बात करेंगे फिजिकली एम्पायर्ड, विजुअल और हेयरिंग और लास्टली स्पीच एंड लैंग्वेज डिसऑर्डर वाले बच्चे। ठीक है, तो आज फर्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो है डिसेबिलिटी एज अ सोशल कंस्ट्रक्ट, क्लासिफिकेशन ऑफ डिसेबिलिटीज। ठीक है, देखिए पहली बात, डिसेबिलिटीज होती क्या है, जिसको हिंदी में अपंगता बोलते हैं, अपंग बच्चे। ठीक है, अब अपंगता किस किस रूप में हो सकती है, वो मेंटली भी हो सकती है, वो आपकी फिजिकली भी हो सकती है। फिजिकल हैंडीकैप स्टूडेंट्स आपने देखे होंगे, आपकी सोसाइटी में आसपास बहुत से लोग होंगे जो फिजिकली हैंडीकैप है, वो बच्चे हो सकते हैं। और कुछ ऐसे भी हो सकते हैं जिनमें जो कुछ विजुअली एम्पायर्ड हो, मतलब विजुअली किसी को किसी की आईसाइट वीक हो, किसी की प्रॉपर वीक हो कि वो पूरा अच्छे तरीके से ना दे, जिसे अंधापन बोलते हैं, किसी की हेयरिंग पावर कमज़ोर हो सकती है, ठीक से सुन नहीं सकता, डिफ्ट हो सकते हैं बच्चे, और किसी बच्चे का स्पीच एंड लैंग्वेज डिसऑर्डर हो सकते हैं कि वो बोलने में हकलाता हो, कुछ ठीक से समझ ना पाता हो। ये सारे जो डिसऑर्डर्स होते हैं वो होती हैं हमारी डिसेबिलिटीज़। ठीक है, तो हमारी सोसाइटी के अंदर किस किस तरह के डिसऑर्डर्स या डिसेबिलिटीज पाई जाती हैं और किस किस वे में, आज हम उस टॉपिक पे बात करेंगे, जिसके अंदर मैं आपसे फर्स्ट टॉपिक फिजिकल डिसेबिलिटीज़ के बारे में डिस्कस करूँगी। फिजिकली देखिए, मैंने आपको अभी बताया इसको फोर पार्ट में डिवाइड किया गया है। ये जो आपका डिसेबिलिटीज एज अ सोशल कंस्ट्रक्ट क्लासिफिकेशन ऑफ डिसेबिलिटीज है ना, क्लासिफिकेशन, इसको आपका फर्स्ट फिजिकल, सेकंड विजुअल, थर्ड आपका हेयरिंग यानी कि जो सुनने की क्षमता होती है बच्चे की वो हेयरिंग, और फोर्थ आपका लास्ट स्पीच एंड लैंग्वेज। ठीक है, इसको फोर्थ पार्ट में डिवाइड किया गया है जो भी आपके डिसेबिलिटीज की कैटेगरीज है। पहला आपका फिजिकल डिसेबिलिटीज होती हैं, दूसरा आपका विजुअल डिसेबिलिटीज होती हैं, तीसरा हेयरिंग, और फोर्थ होता है आपका स्पीच एंड लैंग्वेज डिसऑर्डर्स। ठीक है, तो उसमें आज हम फर्स्ट पॉइंट पे बात करेंगे जो आपका फिजिकल डिसेबिलिटीज है। ठीक है, अब फिजिकल डिसेबिलिटीज बच्चे के अंदर भी दो टाइप से होती हैं। फर्स्ट होती है लोकोमोटर, एंड सेकेंड एक और होती है, सेकेंड होती है आपकी सेरेब्रल पाल्सी। ठीक है, उसको नेक्स्ट में डिस्कस करेंगे, पहले लोकोमोटर के बारे में बात करते हैं। देखिए, फिजिकल एबिलिटीज से आप क्या समझ रहे होंगे कि जो हमारी शारीरिक क्षमता है, जो हमारे हाथ पैर हैं, उंगलियां हैं, गर्दन है, दिमाग है, पैर हैं, पंजे हैं, ये जो हमारा शारीरिक विकास है जिसके द्वारा हम किस समाज में स्टैंड होते हैं, खड़े होते हैं, बैठते उठते हैं, आप कोई भी शारीरिक क्रिया करते हो तो वो किसके द्वारा करते हो, अपनी फिजिकल एबिलिटीज़ के थ्रू करते हो। ठीक है, लेकिन जब उसके अंदर कोई ना कोई कमी आ जाती है तो वो क्या हो जाती है, वो कोई ना कोई डिसेबिलिटी या डिसऑर्डर या अपंगता आ जाती है, जो किसी काम को पूर्ण रूप से करने में अक्षम होते हैं बच्चे, मतलब किसी काम को प्रॉपर वे में नहीं कर पाते हैं। आपने फिजिकली हैंडीकैप स्टूडेंट्स देखे होंगे जिनके पैर काम नहीं करते हैं। ठीक है,
पैरों में अपंगता होती है, तो वो क्या करते हैं, वो रनिंग कर सकते हैं बाकी बच्चों की तरह, तो वो रनिंग नहीं कर सकते। किसी का हाथ में कोई प्रॉब्लम होती है तो वो प्रॉपर बाकी बच्चों की तरह लिख नहीं सकता है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें जो होती हैं, ये फिजिकल डिसेबिलिटीज़ होती हैं हमारी, यानी कि शारीरिक रूप में ऐसी अपंगता या ऐसी शारीरिक बाधाएँ उत्पन्न हो जाती हैं, अक्षमता उत्पन्न हो जाती है, जिसकी वजह से क्या है, हम किसी भी क्रिया को पूर्ण रूप से करने में अक्षम होते हैं, ठीक है। तो इन डिसेबिलिटीज और डिसऑर्डर को आपके बारे में, सॉरी, आपको इसके बारे में पता होना चाहिए, डिसेबिलिटीज डिसऑर्डर के बारे में, कि बच्चे के साथ कौन कौन सी डिसेबिलिटीज और डिसऑर्डर्स होते हैं, ताकि आप उसी वे में क्या है, बच्चों को टीच कर पाए, ठीक है। तो हमारा जो फिजिकल डिसऑर्डर में फर्स्ट पॉइंट है वो है हमारा लोकोमोटर। फिजिकल डिसऑर्डर को आपका टू पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, जिसमें हम फर्स्ट आज पढ़ेंगे लोकोमोटर डिसऑर्डर, जिसके अंदर यानी कि लोकोमोटर डिसेबिलिटी जो आपकी क्या होती है, अ पर्सन इनएबिलिटी टू एक्सिक्यूट डिसनेटिव फंक्शंस एसोसिएटेड विद मूवमेंट्स बाय सेल्फ एंड ऑब्जेक्ट्स रिजल्टिंग फ्रॉम एप्लीकेशंस ऑफ मस्कुलरी एंड नर्वस सिस्टम और बोथ। देखिए, लोकोमोटर डिसेबिलिटी वो होती है जिसके माध्यम से बच्चा किसी भी प्रकार की शारीरिक क्रिया या अपने शारीरिक अंगों के बीच में समायोजन स्थापित नहीं कर पाता है, मतलब एक कनेक्शन नहीं बना पाता है किसी भी काम को करने के लिए जो जो उसके हाथों यानी कि खुद के और ऑब्जेक्ट के बीच में कनेक्शन नहीं बन पाता है, जो किसी भी मस्कुलर और नर्वस सिस्टम के काम ना करने के कारण हो सकता है कि आपकी कोई नर्व डैमेज हो गई है या आपका नर्वस सिस्टम काम नहीं कर रहा है, कि आपको एक तरह से कमांड नहीं मिल रही है कि आपको ये काम करना है, तो वो सारी चीज़ें क्या होती हैं, लोकोमोटर में आती हैं। लाइक अंगों की अपंगता, जो लोकोमोटर होता है आपका वो होता है अंगों की अपंगता, यानी कि किसी भी काम को करने के लिए जो आपके अंग कार्य करते हैं, अगर ये ऑब्जेक्ट मेरे सामने है और मैं इसको पकड़ना चाहती हूँ, तो इसको पकड़ने के लिए जो मेरी शारीरिक क्रियाएं काम कर रही हैं उसमें क्या होगा कि मुझे पहले हाथ उठाना पड़ेगा, अपनी फिंगर्स की मूवमेंट ठीक होनी चाहिए, देन मैं उसकी तरफ बढ़ूंगी, देन उसको पकड़ूंगी, देन उसको ग्रैब करूंगी, ठीक है। तो ये सारे जो अंगों ने मेरे काम किया है हाथ के, उन अंगों के बीच में जब ये समायोजन नहीं हो पाता है, कोऑर्डिनेशन नहीं हो पाता है ये सारे काम करने का इकट्ठा, तो वो क्या आता है, किसी एक प्रकार की लोकोमोटर डिसेबिलिटीज होती है, कि अंगों में अपंगता आ जाती है, अंगों के अंदर आप कनेक्शन नहीं बना पाते हैं, जो हमारे नर्वस सिस्टम के डैमेज होने के कारण भी हो सकता है। लाइक आपका नर्वस सिस्टम आपको कमांड नहीं दे रहा है कि आप ऐसे करिए ऐसे करिए, देन उसको ग्रैब कर लीजिए, ठीक है, और आपके कोई ना कोई नर्व सिस्टम या मस्कुलर जो आपके बॉडी है कि ये पैन है या आपका हाथ ही इतना वीक है कि मैं इसको उठा ही नहीं पा रही हूँ, तो मैं इसको ग्रैब कैसे करूंगी, राइट। तो इसलिए आपकी मस्कुलर मूवमेंट भी काम नहीं कर रही है, वो भी रीजन हो सकता है, और सेकंड रीजन आपका कि आपके नर्वस सिस्टम आपका काम नहीं कर रही है, वो भी इसकी अपंगता का एक रीजन हो सकता है, ठीक है। अब इसके अंदर एक चीज मैं बता देती हूं आपको, आपका लिप्सरी कर्ड पर्सन, जो आपका लोकोमोटर लिप्सरी कर्ड पर्सन होते हैं वो किस टाइप के होते हैं, ओके, लोकोमोटर डिसेबिलिटीज में और क्या आता है, चिल्ड्रन विद लोकोमोटर डिसेबिलिटीज कैन लर्न लाइक देयर पीयर ग्रुप इन रेगुलर क्लासेस। देखिए, अब आपको ये पता चल गया कि लोकोमोटर वाले कौन से स्टूडेंट्स होते हैं, देन हम ये डिस्कस कर रहे हैं अब कि लोकोमोटर वाले, एक बार मैं यहाँ लिख देती हूँ कि लोकोमोटर वाले स्टूडेंट्स वो होते हैं जिनके अंगों में अपंगता आ जाती है, ठीक है, जिनके अंगों में अपंगता आ जाती है वो होते हैं आपके लोकोमोटर स्ट्रू वाले, ठीक है। तो अब
दूसरी बात जो इसका सेकेंड टाइप था उसको करने से पहले इसके बारे में बात करते हैं कि एज अ टीचर आपको कहाँ पे कौन से इम्प्लीकेशंस करने चाहिए और कौन से उनको किस तरह की टीचिंग देनी चाहिए, या वो बच्चे कैसे होते हैं जिनके कारण जिनमें लोकोमोटर्स जो डिसेबिलिटीज़ है वो देखने को मिलती है। तो इसमें आपका आता है चिल्ड्रन विद लोकोमोटर डिसेबिलिटीज़, जो आपके लोकोमोटर डिसेबिलिटीज़ वाले चिल्ड्रन होते हैं कैन लर्न लाइक देयर पीयर ग्रुप इन रेगुलर क्लासेस ओनली इफ दे आर प्रोवाइडिंग एप्रोप्रिएट एजुकेशनल टीचिंग स्ट्रेटजीज गाइडेंस एंड सपोर्ट ऑफ इनिशियल टेक्नोलॉजी। देखिए, किसी भी बच्चे को जो लोकोमोटर वाली अपंगता से जूझ रहा है उन वाले बच्चों को अगर आपको टीचिंग करवानी है तो यू कैन ट्राई कि उनकी पीयर ग्रुप लर्निंग आप करवाइए, जिसके अंदर एक एप्रोप्रिएट एजुकेशनल ट्रेनिंग के माध्यम से उनकी शिक्षा कराई जा सकती है, जिसके अंदर कुछ स्ट्रैटेजीज़ यूज़ हों, उनके लिए गाइडेंस एंड सपोर्ट यूज़ हो, टेक्नोलॉजीज़ यूज़ हो, ठीक है। देन आता है दे मे बेनिफिट फ्रॉम टीचिंग एड्स दैट सूट्स यूजुअली ऑडिटोरियम आर्ट काइनेस्टिक लर्निंग स्टाइल। मतलब आप उसके लिए विजुअल एड्स, ऑडियो एड्स और किसी भी तरह के किंडरगार्टन स्किल्स का यूज़ कर सकते हो ताकि बच्चे की शिक्षा में बहुत ज़्यादा यूजफुल हो जिसकी अपंगता लोकोमोटर टाइप हो, ठीक है। अब बात करते हैं इम्प्लीकेशंस की कि बच्चे के अंदर जो लोकोमोटर वाले जो स्टूडेंट्स होते हैं जिनके अंदर अंगों की अपंगता पाई जाती है, जो ऐसे विद्यार्थी होते हैं डिसेबिलिटी वाले, उसके अंदर हम कैसे इम्प्लीकेशंस कर सकते हैं अपनी टीचिंग के, ठीक है। फर्स्ट इसके अंदर पॉइंट आता है मोबिलिटी रिस्ट्रिक्शन इन एक्सप्लोरिंग देयर फिजिकल एनवायरनमेंट एंड लर्निंग फ्रॉम इट कैन बी चैलेंजिंग। जो ऐसे स्टूडेंट होते हैं जो फिजिकल डिसेबिलिटीज से जूझ रहे होते हैं, उनके लिए क्या होता है, उनका फिजिकल एनवायरनमेंट और उनके लिए लर्निंग फिजिकल एनवायरनमेंट में करनी बहुत ज़्यादा चैलेंजिंग होती है। तो आपको भी वहाँ पर एज अ टीचर उनकी इस तरह की कंडीशन में उनको सपोर्ट करते हुए ऐसी टीचिंग करानी है ताकि उनके लिए इफ़ेक्टिव हो सके और वो वहाँ पर किसी प्रकार की अपंगता उसमें महसूस ना करे। मान लीजिए कोई पैरों से चल नहीं सकता है, व्हील चेयर का यूज़ करता है, ठीक है, तो आप उनके लिए जो व्हील चेयर यूज़ कर रहे हैं बच्चे, आप उनके लिए क्या ऐसे ऑप्शंस रखोगे कि आप खड़े होइए, चलिए एक्टिविटी में पार्ट करिए और आपको इसी से लर्निंग करानी है? नहीं ना, आप ट्राई करोगे एज अ टीचर कि आप उसको ऐसे लर्निंग कराए ताकि वो अपने आप में बड़े सहयोग रूप से बैठे हुए भी लर्निंग कर सकते और अपने फिजिकल एनवायरनमेंट को अपने एनवायरनमेंट में एडजस्ट होकर लर्निंग कर सके, ठीक है। सेकेंड आता है इसमें स्पीच में भी इम्पायर्ड, मतलब उसकी जो स्पीच होती है बच्चे की वो भी क्या है डिसऑर्डर में आ सकती है फिजिकली में, बिकॉज ऐसे बच्चों के लिए जो आप स्पीच दे रहे हो या फिर कुछ उसकी अक्षमता है फिजिकली, तो वो इन दोनों के बीच में भी कोऑर्डिनेशन स्थापित नहीं कर पाते हैं, ठीक है। थर्ड पॉइंट आता है मे हैव डिफिकल्टी यूजिंग कन्वेंशनल चेयर टेबल्स इन अ क्लास एंड लैब, ठीक है। इन बच्चों के लिए जो फिजिकल डिसऑर्डर से जूझ रहे होते हैं, जो लोकोमोटर टाइप बच्चे होते हैं, उन लोगों के लिए आपको ऐसी फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करानी है जो प्रॉपर सिटिंग वे हो, प्रॉपर चेयर हो, टेबल्स हो, लैब्स हो उनकी पढ़ाई से रिलेटेड, ताकि वो ईजी वे में अपने आप को वहाँ पर एडजस्ट करके क्या है लर्निंग कर सके, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है डिफ़िकल्टी इन फिनिशिंग असाइनमेंट टेस्ट एंड प्रिस्क्रिप्शन टाइम लिमिट। ये वाले बच्चों के साथ जो लोकोमोटर बच्चे होते हैं उनके साथ क्या होता है कि एक टाइम लिमिट के अंदर असाइनमेंट्स कंप्लीट करना, होमवर्क कंप्लीट करना या किसी भी प्रकार का टेस्ट कंप्लीट करना थोड़ा चैलेंजिंग हो जाता है, क्योंकि उनके जब अंग ही काम नहीं कर रहे होते हैं। एक और चीज़,
जो लोकोमोटर टाइप स्टूडेंट्स होते हैं ना, फिजिकली डिसेबिलिटीज से जो घिरे हुए होते हैं, हैंडीकैप, उनके साथ लोकोमोटर में कुछ ऐसे भी विद्यार्थी होते हैं, कुछ के तो अंगों का कनेक्शन नहीं होता है, कुछ का क्या होता है, जैसे ये फिंगर्स है ना, इनकी जैसे शेप होती है वो शेप काफ़ी बड़ी हो जाती है, मतलब मान लीजिए हमारे हाथ में मतलब 5 उंगलियाँ होती हैं, ठीक है, तो उन बच्चों के हाथ में शायद 2 ही हों, और 2 भी वो इतनी मोटी मोटी हो, उनकी शेप इतनी मोटी हो कि इनको 3 को इंक्लूड करके ये चिपकी हुई हो, ये ऐसे हो, इनकी वो क्या है प्रॉपर हाथ में ही है लेकिन इतनी मोटी होती कि वो किसी चीज़ को पकड़ नहीं सकते, पैरों में फिंगर्स नहीं होती, 2 गोते गोते से होते हैं, मोटे मोटे, अंगूठा इतना मोटा होता है, फिंगर्स नहीं होती, वहाँ पे भी मांस फूला हुआ होता है, तो वो वाले बच्चे जो होते हैं वो आपके लोकोमोटर डिसऑर्डर वाले स्टूडेंट्स होते हैं, ठीक है। उसके बाद आता है आपका सेकंड पॉइंट, एक्सपीरियंस इज फिट इन व्हेन स्पीकिंग टू द पर्सन फॉर अ लॉन्ग, ठीक है। इसमें क्या होता है, स्पीकिंग टू द पर्सन फॉर अ लॉन्ग, मतलब जो बच्चे के एक्सपीरियंसेस होते हैं थोड़ा टाइम लेता है उसको सीखने में, मतलब आप किसी नॉर्मल क्लास के बच्चे के साथ जब आप इंक्लूसिव एजुकेशन कराते हो तो ऐसे बच्चों को भी साथ ही रखोगे, उनको अलग थलग करके क्या आप एजुकेशन नहीं करवाते हो, तो आप वहाँ पे उस कंडीशन में क्या करोगे कि जो बच्चे होते हैं लोकोमोटर डिसेबिलिटी डिसऑर्डर से घिरे हुए, वो बच्चे थोड़ा लर्निंग में और स्पीकिंग में क्या है थोड़ा टाइम लेते हैं, ठीक है, वो बोलने में भी थोड़ा टाइम लग सकते हैं, कोऑर्डिनेशन करने में, क्योंकि उनको अपने नर्वस सिस्टम के हिसाब से क्या है प्रॉपर वे में कमांड नहीं मिलती है कि कब उनको क्या चीज़ बोलनी है, कैसे रिएक्ट करना है, और अपने बाकी अंगों के साथ कैसे कोऑर्डिनेशन स्थापित वहाँ पे करना है, ओके। उसके बाद आता है आपका सेकेंड नेक्स्ट पॉइंट, रिक्वायर्ड्स एडिशनल टाइम, इन बच्चों के लिए एडिशनल टाइम रिक्वायर्ड होता है इनकी टीचिंग के लिए, इनकी लर्निंग के लिए, कि आप अलग से भी इनको टाइम दो, एक्स्ट्रा क्लासेस दो, एक्स्ट्रा सपोर्ट दो, आप गाइडेंस प्रोवाइड करा सकते हो, तो ऐसे बच्चों के लिए क्या है एक रिक्वायर्ड एडिशनल टाइम, सपोर्ट एंड कंपेटिटिव असाइनमेंट्स, टेक्नोलॉजी एंड एक्सपेक्टेशन फॉर कॉपिंग विद करिकुलम डिमांड्स, ठीक है, तो इन वाले बच्चों के लिए आप जो करिकुलम्स भी रखोगे वो भी थोड़ा चैलेंजिंग होता है, तो आप उसमें अपने अकॉर्डिंग कुछ डिफ्रेंशिएट करके या उसको ऐसे बना के कि इन वाले बच्चों के लिए ईजी हो सके, तो आप वहाँ पर क्या है रख सकते हो, ठीक है। उसके बाद आता है स्टूडेंट नीड स्पेशलाइज फर्नीचर और ट्रांसपोर्ट मीन्स, जो लोकोमोटर और फिजिकली हैंडीकैप स्टूडेंट्स होते हैं उन वाले बच्चों के लिए स्पेशल फर्नीचर और ऐसी फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करानी चाहिए जो ट्रांसपोर्ट्स में उनके लिए हेल्प करे, लाइक आपने अगर कोई आप में से बच्चा फिजिकल हैंडीकैप या अपंगता वाले स्कूल में कभी जाकर आपने देखा हो तो वहाँ पे क्या होता है, जैसे नॉर्मल स्कूल में क्या होता है वहाँ पे स्टेयर्स होते हैं, जीने होते हैं ना फर्स्ट फ्लोर पे जाने के लिए, सेकंड फ्लोर पे जाने के लिए, लेकिन जो फिजिकल हैंडीकैप और ये हैंडीकैप स्पेशल चाइल्ड्स के लिए स्कूल्स बनाए जाते हैं अलग से अगर, तो वहाँ पे क्या होता है, वहाँ पे स्टेयर्स के साथ साथ वहाँ पे कुछ ऐसे पटरियाँ टाइप भी होती है, रेलिंग टाइप होती है जिसमें ऐसे बॉक्स बॉक्स बने होते हैं, जिस ये किस लिए होते हैं, ताकि जो फिजिकली हैंडीकैप है, जो व्हील चेयर्स का यूज़ करते हैं या सपोर्टिंग स्टिक का यूज़ करते हैं, वो इस पर ईजीली अपनी ट्रॉली खिसका सके, पकड़ के चल सके, इसीलिए ये रेलिंग वहाँ पे बनाई जाती है। तो जो हमारे इंक्लूसिव एजुकेशन वाले स्कूल होते हैं जिसके अंदर समावेशी शिक्षा होती है, उन स्कूलों में ये रेलिंग प्लस आपके स्टेयर्स आपको दोनों देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो ऐसे ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज़ बच्चों को देनी चाहिए और अदर फैसिलिटीज़ भी बच्चों को फर्नीचर में बच्चों के लिए, जैसे व्हील चेयर्स और उनके लिए स्टिक्स और बाकी वहाँ पे बैठने के लिए प्रॉपर सिटिंग प्लेस और ये सारी चीज़ें वहाँ पे बच्चों के लिए रखी जानी चाहिए, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट आता है डिफ़िकल्टी इन यूजिंग रेगुलर राइटिंग टूल्स लाइक होल्डिंग अ पेन, राइटिंग कंटिन्यूसली फॉर अ लॉन्ग टाइम,
जो लोको मोटर वाले डिसेबिलिटीज वाले बच्चे होते हैं जो अंगों में कोऑर्डिनेशन नहीं कर पाते हैं, तो उनके लिए राइटिंग करना एप्रोप्रिएट टूल नहीं होता है। बहुत लंबे टाइम तक पेन पकड़ना, राइटिंग करना, कोऑर्डिनेशन करना वो इजी नहीं होता है। तो इसीलिए एज अ टीचर आपको ट्राई करना चाहिए कि उनके लिए राइटिंग से ज़्यादा वर्बली क्वेश्चन करें, वर्बली आंसर लें और वर्बली उनको सीखने के लिए फोकस करें, ठीक है। उसके बाद आता है नेक्स्ट पॉइंट, एक्टिविटीज इन्वॉल्व यूज टू हैंड्स लाइक टर्निंग पेजेस, राइटिंग, टेकिंग आउट बुक्स फ्रॉम बैग्स कैन बी डिफिकल्ट, हैंड्स हैव टू अडेप्ट सिचुएशन। मतलब जो आपके लोकोमोटर डिसेबिलिटीज़ वाले बच्चे होते हैं उनके लिए जो ये छोटी मोटी एक्टिविटीज़ हैं, जैसे आप पेज को पलटते हैं किताब के को, राइटिंग करते हैं, कोई चीज़ उठाते हैं, बुक्स लाइक है, ये चीज़ें, तो वो उन वाले बच्चों के लिए ठीक नहीं होती है, क्योंकि उनके अंगों में अपंगता के कारण वो जल्दी से इस काम को नहीं कर सकते, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट एंड लास्ट पॉइंट है इसमें, चैलेंजेस विद इनपुट आउटपुट एंड इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग व्हेन वर्किंग ऑन असाइनमेंट, टेस्ट और एग्जाम्स। जब उनका नर्वस सिस्टम काम नहीं करता है, उनको कमांड नहीं मिल रही है आगे से किसी काम को करने के लिए, तो उनकी बॉडी से आउटपुट और इनपुट की कमांड भी नहीं हो पाती है, क्योंकि जब आपको बाहर से आउटपुट ही नहीं मिल रहा है तो आप इनपुट क्या करोगे उस पर, या इनपुट आपके दिमाग से आपको नहीं मिल रहा है तो आप उस पर आउटपुट रिएक्शन कैसे दोगे, ठीक है। तो ये था आपका लोकोमोटर डिसेबिलिटी, जो आपकी फिजिकल डिसेबिलिटी का एक पार्ट था कि फिजिकल डिसेबिलिटीज़ के अंदर कौन कौन सी डिसेबिलिटीज़ आती हैं। तो आपका फर्स्ट था लोकोमोटर डिसेबिलिटी। नाउ आपका सेकंड आता है, इसी के अंदर जो आपका फिजिकल डिसेबिलिटीज़ में है, फर्स्ट आपका लोकोमोटर डिसेबिलिटी और सेकेंड है आपका साइबरल प्लेसी, ठीक है। अब इसमें क्या होता है, इसका मतलब है मींस ग्रुप ऑफ नॉन प्रोग्रेसिव न्यूरोलॉजिकल कंडीशन, इफेक्टिव बॉडी मूवमेंट्स, मस्कुलर कोऑर्डिनेशन कॉज बाय डैमेज टू वन मोर स्पेसिफाइड एरिया इन ब्रेन एक्वायरिंग बिफोर ड्यूरिंग शॉर्टली आफ्टर बर्थ, ओके। मतलब जो आपके सेरेब्रल पाल्सी वाले बच्चे होते हैं, एक तरह से ये वो वाले स्टूडेंट्स होते हैं, जैसे आपने हिंदी में सुना होगा कि लकवा मार गया या पैरालाइज हो गया, ये वो वाले विद्यार्थी होते हैं जिनको शारीरिक रूप से, मतलब ये वो लोग होते हैं जिनको शारीरिक रूप से लकवा मार जाता है या पैरालाइज हो जाती है जिनकी बॉडी, ठीक है। जो किसी एक अंग भी पैरालाइज हो सकता है उनका, एक या एक से ज़्यादा भी पैरालाइज हो सकते हैं, ब्रेन भी पैरालाइज हो सकता है, बॉडीज के पार्ट भी पैरालाइज हो सकते हैं, मसल्स एंड मूवमेंट भी उसमें पैरालाइज हो सकती हैं, ठीक है। अब इसको 4 पार्ट में डिवाइड किया गया है। जो आपके पैरालाइज्ड है, जो आपका लकवा मार जाता है शारीरिक रूप से, उसको 4 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। अब वो किस रूप में है, देखिए 4 पार्ट में डिवाइड किया गया है तो वो किस रूप में, नॉर्मली लैंग्वेज में समझाती हूँ, क्योंकि अगर मैं आपको टेक्निकली समझाने लगी तो आपको समझ नहीं आएगा और आपके लिए बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, लेकिन फिर भी मैं मोटा मोटा बोल देती हूँ क्योंकि आपको वर्ड्स पता होने चाहिए, ज़्यादा डीपली जाने की ज़रूरत नहीं है। तो इतना ध्यान रखिए, जो आपका पैरालाइज है उसको 4 पार्ट में डिवाइड किया गया है, जिनके नाम मैं यहाँ पर लिख देती हूँ। फर्स्ट है आपका इसके अंदर ए पार्ट, ए बी सी डी। ए है आपका, देखिए जो आपका पैरालाइज्ड है, जो आपका फिजिकली और एक डिसऑर्डर है पैरालाइज्ड, उसको 4 पार्ट में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट है आपका स्पेसिफिक सीपी, सेकंड है आपका एथोडिक, थर्ड है आपका अटैक्सिया एंड फोर्थ है आपका मिक्स्ड सीपी, ठीक है। अब इसमें मेनली आपको जो चीज़ ध्यान रखने वाली बात है वो ये है कि
फिजिकल डिसेबिलिटीज टू पार्ट्स में डिवाइड किया गया है. फर्स्ट लोकोमोटर, जिसमें अंगों की अपंगता आती है, कुछ कुछ अंग आपस में क्या है कोऑर्डिनेशन नहीं कर पाते हैं, जिसके कारण जो है काम करना मुश्किल हो जाता है. ठीक है, सेकंड आता है आपका जो साइबल प्लेसी है, यानी कि पैरालाइज हो जाती है जब आपको लकवा मार जाता है. उसके अंदर आपका ब्रेन या एक भाग या दो से ज़्यादा अंग भी पैरालाइज हो सकते हैं. उन अंगों को रखा जाता है जिसको फोर पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, स्पेटल सीपी, एथॉइड्स, एटेक्सिया, मिक्स सीपी. अब जो फर्स्ट है आपका स्पेसिटिक सीपी, इसको भी फोर्थ पार्ट में डिवाइड किया गया है. इसके फोर्थ पार्ट समझने ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और इनको स्किप नहीं करना. बेशक आप इसको स्किप कर देना कि ये चार पॉइंट्स के नाम याद रखना, लेकिन इसके नाम ज़रूर याद रखना कि ये किसको, स्पेसिफिक सीपी को फोर पार्ट में डिवाइड किया गया है, जिसमें फर्स्ट आता है आपका मोनोफ्लेगिया. मोनोफ्लेगिया में क्या होता है, इसके अंदर केवल आपका एक अंग काम नहीं करता. मान लीजिए आपका हाथ काम नहीं कर रहा, हाथ को लकवा मार गया है, ये पैरालाइज हो गया है कि ये काम ही नहीं कर रहा. ठीक है, तो बॉडी का क्या है, एक अंग काम नहीं कर रहा होता है. ठीक है, मैं इसमें यहाँ पे ड्रॉ भी कर सकती हूँ आपके लिए, लाइक ऐसे. ठीक है, मान लीजिए मैंने आपके सामने एग्जाम्पल के लिए बना दिया. तो अब जब मोनोप्लेगिया वाले बच्चे होते हैं जिनके अंदर ये डिसऑर्डर पाया जाता है, उसका क्या है, ये अंग काम नहीं कर रहा. इस अंग में अपंगता आ जाती है कि उसका एक अंग काम नहीं कर रहा होता है. ठीक है, सेकंड है आपका हेमीफ्लेगिया. हेमीफ्लेगिया में क्या होता है, आपका पूरा आधा हिस्सा काम नहीं कर रहा होता है. क्या है आपका, वो लेफ्ट साइड हो या राइट साइड हो, मुंह, आंख, नाक, गर्दन, धड़, पैर, नीचे फुट तक क्या है आपका पूरा आधा हिस्सा पूरा काम नहीं कर रहा होता है. तो ये जो बीच का मिडल पॉइंट है, ये वाला हिस्सा, ये वाला आपका आ जाता है सेकंड पार्ट में, कि इसके अंदर क्या है, ये पूरा आधा हिस्सा आपका काम नहीं कर रहा होता, ये पूरा पैरालाइज्ड हो जाता है. ठीक है, यह आता है आपका हेमीफ्लेगिया. हेमीफ्लेगिया में थोड़ा ऐसे कोरिलेट करके पढ़िए, हेमी मतलब सेमी, मतलब जैसे आधा होता है, तो ऐसे हेमी मतलब आधा. तो हेमी में मतलब आधा जो आपका हिस्सा है वो पैरालाइज कर गया, वो लकवा मार गया. ठीक है, मोनो में क्या, जैसे मिनी होता है, मिनी छोटा, मोनो छोटा. तो मोनो में केवल आपका एक अंग नहीं काम कर रहा, कि आपका हाथ नहीं काम कर रहा या आपका पैर काम नहीं कर रहा, तो वो चीज़. ठीक है, अब आते हैं डिप्लेगिया. डिप्लेगिया में क्या होता है, इसके अंदर भी इफेक्ट आएगा आइदर बोथ आर्म्स और बोथ लेग्स. इसके अंदर क्या था कि हेमीफ्लेबिया में जो था, फ्लेगिया में आपका आधा हिस्सा जो काम करना बंद किया है, थर्ड वाले में भी, डिप्लेगिया में भी क्या है, आपका आधा ही हिस्सा काम करना बंद करेगा. लेकिन दोनों में फ़र्क क्या है, दोनों में फ़र्क ये है कि हेमीप्लेगिया में जो आपका आधा हिस्सा काम करना बंद किया है, वो ऐसे लंबाई में आपको डिवाइड किया गया है, मतलब उसके अंदर आपका धड़ भी है, आपके लेग्स भी हैं, आपका दिमाग भी है और आपके आर्म्स भी हैं. ठीक है, इसके अंदर आपका ये वाला आधा हिस्सा रखा गया है. लेकिन डिप्लेगिया में क्या है, आपका जो आधा हिस्सा काम करना बंद करेगा, या तो वो टू लेग्स हो सकते हैं, मतलब ये वाला आधा हिस्सा कि आपके धड़ के नीचे का आधा हिस्सा काम करना बंद कर देगा, या फिर धड़ के ऊपर का आधा हिस्सा काम करना बंद कर देगा. मतलब इसमें अगर मैं आपको डायग्राम के थ्रू समझाऊं तो इसमें तो इसमें क्या है आपका, डिप्लेगिया में क्या होगा, या तो आपके पैर दोनों काम करना बंद कर देंगे, नीचे का धड़ काम करना बंद कर देगा, ये डिप्लेगिया हो गया, या फिर ऊपर का हिस्सा काम करना बंद कर देगा कि दोनों आर्म्स ने काम करना बंद कर दिया. ठीक है, तो इसमें क्या है, लंबाई में डिवाइड करते हैं, जिसके अंदर आपके आर्म्स, आपका धड़, आपकी लेग्स सब आती हैं, लेकिन इसके अंदर या तो आपकी लेग्स ही इफेक्ट होंगी या आपके आर्म्स ही इफेक्ट होंगे. ठीक है, लास्ट आता है आपका
क्वाड्रियल प्लेलेगिया, क्वाड्रियल प्लेलेगिया के अंदर पूरी बॉडी इफेक्ट होती है, क्या है वो आपका दिमाग हो, आपका धड़ हो, आपके आर्म्स हो या आपकी लेग्स हो, जिसके अंदर पूरी बॉडी पैरालाइज हो जाती है कि आप पूर्ण रूप से आपका शरीर काम नहीं कर पा रहा है, वो आपका होता है क्वाड्रीप्लेगिया, जिसमें आपका केवल आधा हिस्सा या तो आर्म्स काम नहीं करते हैं या फिर आर्म्स काम नहीं करते हैं या फिर लेग्स काम नहीं करती हैं, वो होता है आपका डिप्लेगिया। और हेमीप्लेगिया में होता है आपका ये वाला आधा हिस्सा पैरालाइज हो जाता है कि आपका एक हाथ काम नहीं कर रहा, एक लेग काम नहीं कर रही, एक धड़ काम नहीं कर रहा और आधा दिमाग काम नहीं कर रहा, ठीक है, तो वो होता है आपका हेमीप्लेगिया। और मोनोप्लेगिया में क्या होता है, एक अंग विकृत होता है, या तो आपका हैंड्स हो सकता है, लिम्स हो सकते हैं या आर्म्स हो सकती हैं, ठीक है, ये समझ आ गया। तो ये था आपका स्ट्रैगल, जो आपका पैरालाइज है। तो फिजिकल डिसेबिलिटीज को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, लोकोमोटर और आपका पैरालाइज वाला, ठीक है। अब इनके बारे में थोड़ा मोटा मोटा मैं ऐसे ही बता देती हूँ, इसके तो 4 पार्ट्स मैंने डिवाइड कर दिए, समझ आ गया कि इसके अंदर मस्कुलर हमारी बॉडी वगैरह इफेक्ट होती है। जो आपका एथॉइड है, सेकेंड पॉइंट है, उसमें क्या होता है आपका इनवॉलंटरी मूवमेंट्स, स्लो विंगल मूवमेंट्स, ऑप्शन रिपीटेटरी रिदम और सडन इनरेगुलरिटी, लार्ज चेकरी, पुअर बैलेंस और कंसेंस चैलेंज इन मसल टोन्स। तो एथॉइड में भी क्या होता है, आपके मसल टोन्स में काम करना बंद कर देते हैं, बैलेंस करना प्रॉपर नहीं हो पाता है, आपकी सडनली इनरेगुलरिटी आ जाती है किसी भी कार्य में, ठीक है। उसके बाद आता है अटैक्सिया, एटेक्सिया में आता है एज ड्रंकर गेट मसल स्टोन्स, लो बैलेंस एंड कोऑर्डिनेशन एक्सेट्रा, इसके अंदर भी वही चीज़ आती है, ठीक है, प्रॉपर वे में बैलेंस नहीं हो पाता है। ओके, नाउ अब ये आपका फिजिकल डिसेबिलिटी हमने पढ़ लिया, ठीक है, ये फिजिक। हाँ, एक और चीज़ मैं बता देती हूँ, मैंने थोड़ा पहले डिस्कस कर ली, सॉरी फॉर दैट, कि मैंने लोकोमोटर में जो इम्प्लीकेशंस बताए थे और वो जो पॉइंट्स अभी डिस्कस किए थे आपके साथ, कि जिसमें टीचर को भी क्या क्या चीज़ें ध्यान में रखनी चाहिए, क्या क्या चीज़ें करनी चाहिए, कि प्रॉपर वे होना चाहिए बैठने का और रेलिंग होनी चाहिए और ताकि सपोर्टिंग के लिए बच्चे चल सके, प्रॉपर फर्नीचर होना चाहिए और ट्रांसपोर्ट का भी फैसिलिटीज़ होनी चाहिए, क्लासरूम में टीचिंग इट्स अप्रोप्रिएट होना चाहिए, इन्वायरमेंट अच्छा होना चाहिए, वो जो हम पहले कर चुके हैं इसी वीडियो में डिस्कस, वो आपका लास्ट ही डिस्कस करने का था, बिकॉज दोनों के अंदर वो हमारे इम्प्लीकेशंस हैं एज अ टीचर कि आपको क्या कार्य करने चाहिए। तो अब लेकिन आपको समझ तो आ ही गया ना, इम्पॉर्टेंट है कि समझना कि आपको एज अ टीचर क्या वर्क करना है, ठीक है। तो दोनों कंडीशन में क्या है, दोनों आपके फिजिकली जो डिसऑर्डर हो रहे हैं बच्चे के साथ, जो डिसेबिलिटीज़ हो रही हैं, जो बच्चा फेस कर रहा है, इन दोनों कंडीशंस के अंदर आपको वो सारे इम्प्लीकेशंस क्या हैं बच्चों के साथ देने हैं, शेयर करने हैं, ठीक है। तो ये वाली वीडियो हो गई, अब इसमें उसके बाद हमारा फिजिकल हो गया, नेक्स्ट हमारा जो आएगा वो है विजुअल, फिर हेयरिंग, फिर स्पीच एंड लैंग्वेज, ठीक है, ज़्यादा बड़ा नहीं है, ये भी बहुत मैंने शॉर्टली समझा दिया आपको फटाफट से, क्योंकि ज़्यादा डीपली और बिल्कुल घुस के पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, अब तो स्मार्टली पढ़िए, समझ आना चाहिए, जो मेन पॉइंट्स थे वो कवर हो चुके हैं हमारे। तो नेक्स्ट वीडियो में हम विजुअल पे बात करेंगे कि आपके विजुअल डिसऑर्डर्स कौन से होते हैं, वहाँ पे आप कैसे इम्प्लीकेशंस ले सकते हो, कौन कौन सी प्रॉब्लम्स वहाँ पे आपको फेस करने को मिलती हैं, ठीक है। तो इसी के साथ आज की वीडियो फिनिश करते हैं, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, एंड पसंद आए तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर करना मत भूलिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए, जो हमारे साथ नए स्टूडेंट्स जुड़ रहे हैं और बाकी जिनको कंप्यूटर साइंस से रिलेटेड टेक्निकल अपना पोर्शन चाहिए, स्टडी मटेरियल, वो यहाँ पर डिस्क्रिप्शन में लिंक अवेलेबल है, आप वहाँ पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं व्हाट्सअप एंड कॉलिंग नंबर। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू सो मच।